इस वक्त अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर मैं खड़ा हूँ, और यहाँ पर हालात ये हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि हम एक दिन का उपवास करेंगे, लेकिन वो घर के अंदर है और बार बार भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर लोग हैं, जो कार्यकर्ता है या पदाधिकारी है, वो धीरे धीरे जुट रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर इन्होंने 5 घंटे का या एक दिन का उपवास किसानों के समर्थन में रखा है तो उसी तरीके से रखे ना, जिस तरीके से किसान जाकर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और खुले आम सबके सामने, पूरे देश के सामने ये तस्वीर पेश कर रहे हैं कि हम उपवास पर हैं शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल घर के अंदर उपवास कर रहे हैं तो इनका कहना है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, उपवास कर रहे हैं कि खाना खा रहे हैं कि डिश बना रहे हैं। और इनका तो आरोप ये भी है कि इन्होंने अंदर अच्छे शेफ्स हैं, 8-9 शेफ्स की पूरी टीम है और अच्छे पकवान बन रहे हैं, उसको खा रहे हैं, कोई उपवास नहीं है, ये मात्र एक नाटक हो रहा है, मात्र एक ढकोसला हो रहा है। बार बार भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और दिल्ली बीजेपी मीडिया के जो वरिष्ठ हैं नवीन कुमार, वो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं। जी तो इस वक्त बार बार और किसान आंदोलन में क्रेडिट वॉर देखिए किस तरीके से शुरू हो चुका है, और आप और कांग्रेस आपस में ही भिड़ी हुई है। केजरीवाल ने अमरिंदर पर आरोप भी लगाया है, तो केजरीवाल पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर, कैप्टन ने केंद्र से सेटिंग कर ली है, तो केजरीवाल का बड़ा आरोप किसान आंदोलन में अब क्रेडिट वॉर जो है शुरू हो चुका है। अभिषेक, अब क्रेडिट वॉर शुरू हो चुका है, ओवर टू यू। जी कि बार बार अब ये चीजें शुरू हो गई हैं कि किसान आंदोलन में क्रेडिट वॉर शुरू हो गया। अक्षय, देखिए, एक तो सबसे पहले लोगों को समझना होगा कि ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्हें लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि जब कृषि बिल आया तो पहले ही अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उसे अधिसूचित कर दिया, और अब सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की वजह से वो इस तरीके का नाटक कर रहे हैं कि वो यहाँ पर धरने की बात कर रहे हैं या एक दिन के उपवास की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर कैप्टन अमरिंदर सिंह है, कैप्टन अमरिंदर सिंह कौन है, जिन्होंने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अपने राज्य में लेकर आया, इंट्रोड्यूस किया और उसका असर भी देखने को मिला। यानी अब आप ये देख लीजिए कि पहले जब आप सत्ता में थे तब आप कुछ अलग बातें कह रहे थे, अब जब आप विरोध में हैं तो आपके बोल जो है वो बदल गए। यानी कुल मिलाकर आप यही कह सकते हैं कि जो किसान है इनके साथ जो इमोशन लोगों का जुड़ा हुआ है उसे इनकैश करने की पूरी पूरी कोशिश, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, मतलब जो एक तरीके से आंदोलन शुरू किया गया था सिर्फ और सिर्फ खांटी किसानों की तरफ से, अब उस किसानों के बीच में दूसरी विपक्षी पार्टियां घुस गई हैं और धीरे धीरे अब क्रेडिट वॉर शुरू हो गया है कि भाई अब किसान आंदोलन को किस तरीके से बढ़ाना है, किस तरीके से इसको रखना है, और MSP के अलावा जो डिमांड थी शुरुआत में वो डिमांड कहीं और जा रही है, अब ये डिमांड आ गई कि भैया इस कानून को पूरी तरीके से वापस करो, MSP तो बात ही नहीं हो रही है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए जब हम तमाम किसानों के बीच पहुंचे, मैं खुद पहुंचा हुआ था गाजीपुर के बॉर्डर पे, वहां पर भी लोग संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि ये तमाम विपक्षी पार्टियां कोई दूध की धुली हुई नहीं है। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान की लाइव टीवी पे कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।